हजार लाख 10,000 करोड़ के नहीं, ये कितना पैसा होता है? जरा मुस्कुरा दिए सर, बोले बाबा कंप्यूटर फेल हो गया हमने। 10,000 लाख करोड़ गिन तो मैंने भी दिए, फिर मैंने इनका हिसाब लगाया, होता कितना है? यदि इसके नोट छाप करके और गोवा पर रखे जाएं तो गोवा में कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल नोट ही नोट दिखाई देंगे, धरती नहीं दिखाई देगी, सारी धरती नोटों को छप जाएगी, भर जाएगी, इतना पैसा। भारत को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, माना ऐसा होगा नहीं, न होने देंगे, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि भारत में ऐसी तबाही ना आए, युद्धों में, भूकंपों में, सुनामी में, किसी भी कारणवश कोई खंड पड़ा आ जाए, जैसे जापान में, तो भारत को 100 बार इससे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कितनी बार? मैंने सुना है कि अब एक षड्यंत्र करने पर तुली भी है, लेकिन उस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगा। भाषा में हम विदेशी भाषा का सम्मान करते हैं, विदेशी भूमि का भी सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि का, अपनी राष्ट्रभाषा का सबसे बड़ा सम्मान हमारे दिल में होना चाहिए। आम का सदाच आमचा माय भाषा चेर आणि राष्ट्रभाषा चेर सदाच गर्व आसोक जाय। सरकार जर षड्यंत्र करून माय भाषा कोकणी आणि मराठी छोडून, मराठी सोडून जर आमचे विदेशी भाषा इंग्रजी खाल पाच प्रयत्न केला ताहिते केना केनाज जाऊ ना। मैं देखो अभी मराठी और कोंकणी तो दोनों मला जुलाई है, एक बार समझने तो लगा हूं, लेकिन बोलने की कोशिश तो कर रहा हूं ना। मुझे जितना अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व है, उतना ही मराठी और कोंकणी पर भी गर्व है, क्योंकि और ये भाव सबके हृदय में होना चाहिए। इसलिए आप भी चाहते हैं देश में से ये सारी भ्रष्ट व्यवस्थाएं बदले, तो तीन काम गोवा के लिए मैंने पहले कहे, अब राष्ट्र के लिए कहेंगे। एक वैज्ञानिक सत्य, भाई बहनों मैं आप सबसे कह रहा हूं, सुबह सुबह सबको क्या करना है बोलो, योग करना है, किसी को भी रोगी नहीं होना, योग से शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। आज हमारा शरीर मलिन हो चुका है, मन मलिन हो चुका है, शरीर में मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर और न जाने कैसी कैसी बीमारियां, हड्डियों की बीमारी, तमाम की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, इनफर्टिलिटी की, लीवर की, किडनी की और तमाम बहुत तरह की बीमारियां शरीर में घर कर गई है। जो योग करेगा उसके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, उसका मन निर्मल हो जाएगा, मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार नहीं होंगे, गुस्सा नहीं आएगा आपके, आप शरीर से मन से हाथ सबको ऊँचे उठाने पड़ेंगे, थोड़ी देर ऊँचे रखो, मैं देख तो लूँ। पुलिस वालों आपको भी छोड़ना है, पुलिस की नौकरी से पहले आप भारतीय हैं, तो आज हमारे सब भाइयों का संकल्प लेकर के जाना है, कोई भी कोका कोला और पेप्सी को हाथ, बोले भारत माता की, वर्ल्ड कप तो जीत के लाएंगे लेकिन जो खिलाड़ी कोका कोला और पेप्सी पी रहे वो नहीं पी, उनको बिक गए पैसे। जैसे पहले अंग्रेज जो है ना ब्लडी इंडियन और डॉग कहते थे, मुझे भी कहा जीतने की, जो अंग्रेजी सोच के ही तो लोग हैं। मैं बोले बाबा आपको कैसा लगा? आपको लगा नहीं, एक सन्यासी को ब्लड इंडियन नोट डॉग कह देता है तो आपको नहीं लगा कि आपको एक भ्रष्टाचार वाला काम बंद करके, भ्रष्टाचार के खिलाफत बंद करके खाली योगी सिखाना चाहिए? मैंने कहा अरे उसने ब्लड इंडियन नोट डॉग कहा ना मुझे, मैं ब्लड इंडियन नहीं, मैं इस भारत माता का बेटा हूं और भगवान ने खुदा अल्लाह ईश्वर ने मुझे इंसान बना करके भेजा है, मैं भारत माता का बेटा और इंसान जिनको कुत्ता और हैवान नजर आता हूं वो अपना इलाज कराएंगे, भगवान इनका इलाज कर देगा। जो दुखी हो हाथ उठा के रखना, इन नेताओं के भी बहुत ठिकाने आ जाएंगे। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई और माताएं बहनें बैठी हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरे कहने से सच्चे अच्छे लोगों को देश के हित में वोट करोगे और इस काम के लिए नोट दान भी दोगे? और यदि अपने आप को कुर्बान करना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा, तो कितने लोग तैयार हैं? सबके सब
थोड़ी देर ऊपर हाथ उठा करके रखना जरा, इन बेईमान भी देख लेंगे तो कम से कम मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश नहीं करेंगे कि बाबा पे हाथ उठाया तो करोड़ों हाथ उन पर। बोले भारत माता की, हाथ नीचे कर लेंगे तो ये तो होगा। Thank you.